प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। ऐसे में बुधवार सुबह हुई तेज बारिश से सोलन के रबोन में लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिससे घर के अंदर रखा सामान खराब हो गया। लोगों का कहना है कि फोर लेन सड़क के किनारे खोदी गई आधी अधूरी नाली की वजह से घरों में बारिश का पानी घुसा है, जिससे उनको काफी नुकसान पहुंचा है। लोगों ने NHAI पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब भी बारिश होती है तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि वो इसकी शिकायत जिला प्रशासन से भी कर चुके हैं, लेकिन फोर लेन कार्य कंपनी अपनी मनमानी कर रही है, लिहाजा उन्होंने प्रशासन से इसका कोई स्थायी हल निकालने की मांग की है। आज सुबह जो बारिश हुई है उसके कारण मेरे घर में काफी पानी आया है, और ये इसकी सारी जो भी गलती है ये सारी फोर लेन वालों की है। इन्होंने जो ऊपर ट्रंच खोदी है वो ट्रंच प्रॉपर थ्रू नहीं की है, इसके कारण पूरा घर का सारा सामान खराब हो गया है। हम लोग सुबह से बिना खाए पिए अपना पूरे घर को संभाल रहे हैं, मिट्टी कचरा सारा गन हमारे घर में आ गया है। तो हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इसकी जाँच की जाए और प्रॉपर इस कार्य को ठीक किया जाए। आज जो बारिश हुई है, इस बारिश से चार घरों में यहाँ पे पानी आया है रबोन में, तो जिसका सीधा सीधा जो नुकसान जो हुआ है ये फोर लेन द्वारा हुआ है। फोर लेन ने नाली निकाली है जो कि ऊपर पहले इन्होंने सड़क को प्रॉपर स्लोप नहीं दिया और पानी खड़ा था, उस पानी को निकालने के लिए इन्होंने जो नाली निकाली, उस नाली का दूसरा कोना इन्होंने परे पुल से नहीं मिलाया, और जो पुल से पानी का कोना नहीं मिलाया वो पानी बीच में ही मरता गया और यहाँ पे घरों के अंदर पानी घुसा है, और इनके जो घर में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। सामान तो संतोषजनक कार्य इन्होंने एक भी नहीं किया है फोर लेन वालों ने, यहाँ पे सब लोगों को परेशान ही किया है फोर लेन ने। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि जो यह कार्य फोर लेन ने किया है इसको दुरुस्त करें और प्रॉपर ढंग से, हमारे लोगों को किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारा ये कहना है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।